हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका सीजी जॉब 2.0 पर। तो दोस्तों, आज के इस रिक्रूटमेंट में हम देखने वाले हैं पीजीडी से उत्तीर्ण या फिर डीसीए उत्तीर्ण या फिर आईटीआई से कोपा उत्तीर्ण कैंडिडेट, यानी कि कंप्यूटर उत्तीर्ण कैंडिडेट के लिए यहाँ पे महत्वपूर्ण वैकेंसी, जिसमें कि आपको 10,000 सैलरी देखने को मिलने वाला है दोस्तों। तो इस पदों पर भर्ती हेतु यहाँ पे छत्तीसगढ़ शासन द्वारा यहाँ पे रिक्रूटमेंट एक और जिले से जारी हो चुका है। तो इसमें कौन कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, संपूर्ण जानकारी आपको आज के इस वीडियो में प्राप्त होगा। तो वीडियो पर जो है अंत तक जरूर बने रहिए दोस्तों, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर से रख लीजिए दोस्तों। तो चलिए अब टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा हम रिक्रूटमेंट के बारे में अवलोकन करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों नारायणपुर जिला की तरफ से है, जिसमें कि सहायक पर्यवेक्षक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर पद हेतु आवेदन पत्र जो है 8 मई तक इसमें आवेदन आमंत्रित किया गया है। अब इसमें किस प्रकार से आपको आवेदन करना है तो आगे वीडियो में आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जानकारी निकल के आ रहा है कि जो है 10,000 रुपये के कलेक्टर दर पर जो है सहायक पर्यवेक्षक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर पद पर कार्य हेतु 3 पद, जिसमें कि डीएमए पद से जो है यहाँ पे स्वीकृत किया गया है। इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होगा, आवश्यकता के अनुसार जो है अवधि यहाँ पे बढ़ाया जा सकता है। यह पद जो है ओरछा में 1 पद है, बेनूर में 1 पद है तथा छोटे डोंगर में 1 पद के लिए जो है यहाँ पे स्वीकृत किया गया है। उक्त पद हेतु आवेदक के पास जो है किसी भी विषय में मान्यता प्राप्त संस्था से स्नातक की डिग्री, साथ में डीसी या फिर पीजीडीसीए प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, अबूझ माड़िया होने का प्रमाण पत्र तथा जिले का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है, तथा कार्यस्थल पर निवासरत अभ्यर्थियों को प्राथमिकता इसमें दिया जाएगा। तो जो भी इच्छुक आवेदक अपना आवेदन करना चाहते हैं वो सादे कागज़ पर जो है लिखकर 8 मई 2023 तक आवश्यक दस्तावेजों सहित जिला कार्यालय महिला एवं बाल विकास विभाग नारायणपुर में कार्यालयीन समय पर जमा कर सकते हैं दोस्तों। तो इसमें आपको जो है एक सादा कागज़ लेना होगा, उसमें आपको एक आवेदन का प्रारूप बनाना होगा और आपके जो शैक्षणिक योग्यता है उनको उल्लेखित करना होगा दोस्तों। और आपको 8 मई 2023 तक आवश्यक जो आपके शैक्षणिक योग्यता के डॉक्यूमेंट हैं जिला कार्यालय महिला एवं बाल विकास विभाग नारायणपुर में कार्यालयीन समय में आपको जमा करना होगा। और इसमें जो है पहले प्राथमिकता जो अबूझ माड़िया क्षेत्र के कैंडिडेट है पात्र, उनको पहले प्राथमिकता इसमें दिया जाएगा दोस्तों। तो इसे तो यहाँ पर देख सकते हैं, नारायणपुर जिले के स्थानीय अबुझमाड़ी जनजाति के युवक एवं युवतियों से यहाँ पे निर्धारित एकमुश्त 10,000 रुपये के कलेक्टर दर पर यह विज्ञापन आमंत्रित किया गया है दोस्तों। तो जो भी कैंडिडेट नारायणपुर जिला से संबंधित है वो इन पदों पर जरूर से आवेदन कीजिए, और साथ ही कोई डाउट होगा तो आप कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों।